Now suno. Now let me welcome the blind couple of Mahabharata, Maharaj Dhritarashtra and Maharani Gandhari. Padar rahe hain. गांधारी बड़ी हॉट लग रही हो। गर्मी का मौसम है, हॉट तो लगूंगी लीला। अरे वैसे नहीं। तो कैसा? अरे तुम समझ नहीं रही हो। तुम भी ना, अजी तुम तो बड़े ही नॉटी हो गए हो। नॉटी क्या बचपन से हो। सुनो सुनो सुनो, ओवर कमिटेड, ओवर पोलाइट, ओवर हॉनेस्ट, यू दिस स्टेल यू दे ये 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 कंसिन कन्या को भी देखी जिसका मन है स्थिर, वही हूँ मैं युधिष्ठिर। सुनो सुनो सुनो, गिव अ ग्रेशियस वेलकम टू महाभारत इमरान हाशमी मिस्टर दुशासन। ये 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 दुशासन, छीन लूंगा सबका आसन, रोज रात करता हूँ मैं योगासन। दुशासन दुशासन दुशासन। सुनो सुनो सुनो, हियर प्रेजेंट द पांडवा प्राइवेट लिमिटेड एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अर्जुन। यू ने ये 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 मार देता हूँ डिप, जिसने भी डाला द्रौपदी पे बुरी नजर उसका करता हूँ डिप डिप डिप। सुनो सुनो सुनो, मे हैव योर अटेंशन प्लीज, हियर कम्स द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोरिया प्राइवेट लिमिटेड दुर्योधन। यू दे ये 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 ये।
चल्लू हूँ मैं, भीम मेरा नाम, सोना है खाना है मुझे सुबह शाम, साल में करता हूँ एक दो बार काम, बाकी टाइम करता हूँ मैं बस आराम। चल्लू हूँ मैं, भीम मेरा नाम, बेटा भीम मेरा नाम। सुनो सुनो सुनो, फसाद की जड़ शकुनी मामा, यूदे ये 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 ये। देवा रे देवा, 40 साल हो गए मुझे हॉकी सीखते हुए, मेरी बॉल बड़ी हो गई लेकिन मेरी समझ नहीं आई, इसी वजह से मेरे भांजों में हॉकी से ज्यादा जॉकी का क्रेज है रे बाबा। मामा जी, जॉकी इज्जत बचाती है पर हॉकी नहीं। सुनो सुनो सुनो, नाउ प्रेजेंट पांडवों की फौज, मिस्टर नकुल एंड मिस्टर सहदेव। ये उदय, ये 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 ये। Make some noise for the Destiny Boys! बोलो मेरे संग वैलेंटाइन 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 वैलेंटाइन। आ गए सब, चलो कुछ खेलते, बोर हो रहा है। व्हाट एन आइडिया सर जी, फिर क्या खेले? भ्राता श्री कुश्ती खेलते हैं। नहीं रे बाबा, जब देखो बस लड़ाई झगड़ा। भ्राताश्री शूटिंग खेलते। नहीं रे देवा, शूटिंग नको रे। भ्राताश्री कबड्डी खेलते हैं। हाँ ये हुई ना बात। देवा रे देवा, आजकल तो कच्चे नींबू भी सोचने लगे रे। परंतु भांजे, किस चीज को दाव पे लगाएंगे अपन? चलो मैं अपना पूरा राज्य और 1000 हाथियों को दाव पे लगाता हूँ। मैं भी अपना पूरा राज्य और 1000 हाथियों को लगाता हूँ। ये हम जीत गए मामा जी, हम जीत गए। अब पांडवों का पूरा राज्य हमारा हुआ। कौ दृष्टि, अब क्या लगाओगे दाव पर? अब तो दाव पे लगाने की हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्यों हुआ अभिमानी ग्रुप ने नहीं, द्रौपदी जो है आपके पास? कौन दृष्टि लगाते हो द्रौपदी जी पे दाव? नहीं प्लीज, नहीं प्लीज, नहीं। अबे तो महाभारत आगे कैसे बनेगा? ठीक है मामा श्री, मुझे द्रौपदी चाहिए। हाँ भंजे, हाँ जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के लिए कुछ नहीं होगा। दुशासन जाओ, द्रौपदी को खींच के सभा में लाओ और हमारी जांघा पे बैठाओ। जी माता श्री। किस किस से भागे राजी राजी के तेरू रबड़े हो समय बिता राजी राजी के मैं क्या पानी तू राजी के पराडा तेरा लाल चले हो सोने हो सच राजी के तेरी दुनिया ही हो तेरी दुनिया ही हो तेरी
chuchu sanus to be the sea of our mouths and molly like me tell you when they love this sweet song of sex. दुशासन खिल साड़ी आज इस अभिमानी द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण होगा। भैया वो मेरी भी पत्नी है। जी भीम की अब तो उसे हार चुके हैं और मूर्ख तो ये गौरव है जो अपनी जीती हुई चीज को बेइज्जत कर रहे हैं। भीम अब द्रौपदी हमारी है, हम जीत चुके हैं उसे। भैया वो मेरी भी पत्नी है। नकुल पत्नी नहीं भाभी। भैया भाभी होगी आपकी, इसका तो मैंने लाया था। तो क्या हुआ अर्जुन, हारा तो मैं हूँ और हारकर जीतने वाले को युधिष्ठिर कहते हैं। दुशासन तू खींच सारे खींच। हे पापी दुशासन, मुझे भगवान के लिए छोड़ दे। क्या तू दिखाएगा तू इन लोगों को कि तूने भरी सभा में एक नारी की इज्जत के साथ खेला? ठीक द्रौपदी, और ठीक देखता हूँ तुझे आज बताने कौन आता है। बिना गोली जो चलाए गन तो फक्त अजय देवगन। जयकांत नाही रे देवा, जयकांत नको रे बाबा। तो दुशासन काय तू इकडे पण जयकांत जयकांत करतोस? तू अपना काम कर गावठी, उंगली मत कर। दुशासन ये गाँव वाले का हाथ है, खेत पे हल चला कर बुलवा है। तो बाबा हल चलाने का इकड़े कसा का आला? अबे तो खुर्चा लूट मोशन नहीं रोक सकता तो ची हमें क्या रोकेगा? जब से कंट्रोल कर रहा था, सॉरी द्रौपदी मैं आया। लोगों ने उसे उकसाया और उसने अपनी धन दौलत जमीन जायदाद भी नहीं बल्कि अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। ये कहानी है उस अपला नारी की जिसने विश्वास किया था अपने पांच पतियों पर क्या मिला उसे? धोखा, धोखा और फिर धोखा। उस अपला नारी ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि पांच पांच पतियों के साथ शादी की, लेकिन इन पांचों ने उसकी कदर ना की और लगा दिया अपनी ख्वाहिशों के खातिर उसके अरमानों की बलि। तो आइए बात करते हैं पांडवों से। अब तो हर पल ही तेरी याद सताती है। पहले तो कभी कभी गम था, जैसे कि आप देख रहे हैं कि द्रौपदी की साड़ी अभी उतर चुकी है, आपको क्या लगता है क्या होगा द्रौपदी का? अगर आपको लगता है कि द्रौपदी की साड़ी पूरी उतर जाएंगी तो मोबाइल उठाइए और टाइप करें यस और सेंड करें 252525 पे। अगर आपको लगता है नहीं तो टाइप करें नो और सेंड करें 252525 पे।
याद रखिए, अगर चैन से सोना है तो जाग जाइए। बस अब मैं और अपने देश के कानून की तरह अंधा नहीं रह सकती। बंद करो ये सब। उम्मीद है आप सभी को महाभारत का ये नया अंदाज पसंद आया होगा, परंतु क्या किसी ने ये सोचने की कोशिश की क्या बीती होगी द्रौपदी पर? हम अक्सर कहते हैं कि महाभारत के युद्ध का कारण द्रौपदी है, हम ये क्यों नहीं सोचते कि महाभारत के युद्ध के होने का कारण एक स्त्री पर हुआ अपमान है? कहते हैं हिंदुस्तान में नारियों को देवी का रूप माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है, परंतु वास्तव में क्या ये सच है? जब भी हम नारियों की बात करते हैं तब प्रतिभा पाटिल, सोनिया गांधी, सानिया मिर्जा जैसे गिने चुने नाम लेते हैं और कहते हैं कि आज नारियां भी पुरुषों के कंधे से कंधा मिला प्रगति कर रही है। क्यों हम उस औरत की बात नहीं करते जो वृद्धाश्रम में रहती है और उसका कसूर सिर्फ इतना है कि आज वो बुजुर्ग हो चुकी है? क्यों हम उस औरत की बात नहीं करते जो दिन भर दूसरों के घर काम करती है और शाम को जब कुछ पैसे ले घर आती है तो उसका शराबी पति उसे छीन लेता है और शराब में उड़ा देता है? क्यों उस छोटी सी बच्ची के बारे में नहीं सोचते जो रेगिस्तान में 3-4 किलोमीटर चक्कर लगाकर अपने घर वालों के लिए पानी लेकर आती है? क्यों उस दामिनी जैसे उन लड़कियों के बारे में नहीं सोचते जो पापियों के हवस का शिकार हुई है? क्यों उस लड़की के बारे में नहीं सोचते जिन्हें दहेज के लिए जला दिया जाता है? इन सब चीजों के बावजूद भी हम कहते हैं कि हिंदुस्तानी स्त्रियों की पूजा की जाती है। ऐसी पूजा? क्या अब भी आप यही कहेंगे? अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि हमें देवी समझ के पूजा मत करो, परंतु एक इंसान तो समझो। इट्स एन अनएंडिंग जर्नी, अ स्ट्रगल। थैंक यू।